हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दैट इंडियन ग्राम गर्ल चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अनुप्रिया, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। जैसे कि अभी थर्टीज मेरा स्टार्ट हो चुका है और थर्टीज में हमारी स्किन का टेक्सचर चेंज होना शुरू हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं, जिस वजह से बहुत बार लोगों को बहुत ज्यादा ड्राई स्किन को फेस करना पड़ता है और बहुत सारे लोगों को मेरी तरह ऑयली स्किन को फेस करना पड़ता है। मैं जो हूँ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप फैमिली से बिलोंग करती थी जब मैं अपनी ट्वेंटीज में थी, इवन लेट ट्वेंटीज तक भी मुझे कॉम्बिनेशन स्किन टाइप ही था मेरा। लेकिन जब से मैं थर्टीज में आई हूँ तब से मुझे प्रॉब्लम होने लगी है ऑयली स्किन की, जिस वजह से मेरी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो भी धीरे धीरे जाने लगी है और इस वजह से मुझे अपने फेस के ऊपर पिंपल्स को भी फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। और मेरी पहले भी जब कॉम्बिनेशन स्किन टाइप थी तब भी मुझे एक्नेस फेस करने पड़ते थे, अब थोड़े से ज्यादा करने पड़ रहे हैं ऑयली स्किन के कारण। तो जो प्रोडक्ट रेंज आज मैं लेकर आई हूं ये है प्लम की ग्रीन टी रेंज, जिसे मैंने मंगवाया था प्लम की वेबसाइट से। काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। प्लम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 100% वेगन होते हैं, 100% केमिकल फ्री होते हैं, तो आप काफी प्रोटेक्टिव सा फील करते हैं क्योंकि 100% केमिकल फ्री हैं ये प्रोडक्ट। और आज की जो रेंज है इसमें मैं सब चीजें कवर करने वाली हूँ, फेस वॉश, फेस पैक और इसके साथ साथ टोनर, क्लिंजर, क्योंकि हम क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग तो करते हैं लेकिन पिंपल्स को सेटल डाउन करने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए। तो किस तरीके से मैं अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करती हूँ प्लम के प्रोडक्ट्स के साथ, आज वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए ज्यादा डिले ना करते हुए वीडियो में चलते। सबसे पहले मैं प्लम के फेस वॉश को लेती हूँ, उसे अपने हाथों पे लेती हूँ। इसके अंदर जो ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं ग्रीन टी के, ये आपके स्किन के अंदर इजिली चले जाते हैं, जो आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम अगर आपको फेस करनी पड़ती है उसे दूर कर देते हैं। ओपन इजिली आपके स्किन के अंदर जाकर, पोर्स के अंदर घुसकर सारी गंदगी को बाहर निकाल देते हैं और आपको बिल्कुल भी कोई भी चीज को फेस नहीं करना पड़ता है। जितने भी ये जो गंदगी के कारण आपके फेस के ऊपर पिंपल्स होते हैं या ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो ये उन्हें निकाल के बाहर फेंक देते हैं और आपको एकदम से फ्रेश फ्रेश सा फील होता है। दिन में दो बार आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसका कुछ पंप अपने हाथ पे लीजिए और इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लीजिए, 1 से 2 मिनट तक मसाज कीजिए और उसके बाद अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। उसके बाद पैड ड्राई करने के बाद अब बारी आती है जब हम फेस वॉश कर लेते हैं। अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं तो वीक में 1 से 2 बार आप प्लम का ही ये क्लियर मास्क लगा सकते हैं। ये क्ले मास्क है जो जिसके अंदर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, जिस जो कि आपको आपकी जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है उसे श्रिंक डाउन करेगी और अगर लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम है तो उसे भी बहुत ज्यादा श्रिंक कर देगी, अगर कम पोर्स हैं तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे इसे लगाने के बाद। और अगर आपको बहुत ज्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम है, पिंपल्स रहते हैं, तो उन पिंपल्स को भी सेटल डाउन करने में ये आपकी हेल्प करेगा। ग्रीन टी शुरू से हमारी स्किन को जो है वो डीप क्लींस करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है और एक्ने प्रोन स्किन को प्रोटेक्शन देने में आपकी हेल्प करता है। तो आप इसे लगाएं, आपके जो पिंपल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे और इसके साथ साथ आपको और भी जितने स्किन के स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब दूर कर देगा। तो इसे जस्ट अपने फेस के ऊपर लगाकर 15 से 20 मिनट तक छोड़ दीजिए और उसके बाद फेस वॉश कर दीजिए नॉर्मल वाटर से। अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पिंपल्स हैं तो आप इसे वीक में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है दिन में 1 बार अप्लाई जरूर करें। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगी रात को इसे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि रात को हमारी स्किन जब हम इसे अप्लाई कर लेते हैं हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, धूप में नहीं जाना पड़ता, डस्ट में नहीं जाना पड़ता, पॉल्यूशन में नहीं जाना पड़ता, हम रात को सो जाते हैं और हमारी स्किन जो है वो रिपेयर होने स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी सारी गुडनेस जो है वो रात को आपके स्किन के अंदर आपको मिल जाएगी। अब बारी आती है क्ले मास्क के बाद हमारे स्किन को टोन करने की। स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए हमें टोनर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये प्लम का ग्रीन टी वाला टोनर काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आपके फेस के ऊपर पिंपल्स हैं, ओपन पोर्स हैं तो श्रिंक करने के लिए टोनर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपकी स्किन को अंदर से डीप क्लीन करेगा और उसके साथ साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने में आपकी हेल्प करेगा, जिस वजह से बाकी काफी सारे स्किन इश्यूज जो है वो दूर करने देगा ये प्लम का
फेस टोनर, जस्ट इसे कॉटन पैड के ऊपर लीजिए और अपने फेस के ऊपर इसे अप्लाई कर लीजिए। इजिली आप इसे अप्लाई कर लेंगे कॉटन पैड के साथ तो आप देखेंगे कि सारी डस्ट जो है वो रिमूव हो गई है। अब आपको इसे एक से दो मिनट तक सूखने देना है और उसके बाद आपको अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर। ये भी ग्रीन टी वाला मॉइस्चराइजर है, ऑयल फ्री है। आप चाहे ऑयली स्किन टाइप वाले हैं या ड्राई स्किन टाइप वाले, दोनों को ये सूट करेगा। वाटर बेस्ड जो है मॉइस्चराइजर है, इजिली आपकी स्किन में चला जाता है। मैट फिनिश के साथ ये आता है और आपको बिल्कुल भी ऑयलीनेस या स्वेटनेस फील नहीं होगी इसे लगाने के बाद। और आपको 100% केमिकल फ्री कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो आपकी स्किन के अंदर इजिली रात को आप बस इसे लगाइए और सो जाइए। दिन में आपकी स्किन काफी अच्छे से ग्लो करेगी और अगर आपका स्किन जो है वो फ्लॉलेस होगी तो मेकअप और ज्यादा खूबसूरत होकर निकलता है। तो ये था मेरा स्किन केयर रूटीन जो मैंने अभी फॉलो करना शुरू किया है। इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है क्योंकि नया चैनल है तो नए चैनल पे कभी भी कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं होती। जो भी मैंने प्रोडक्ट जो है मैं यूज कर रही हूँ पर्सनली, वो सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इस चैनल पे मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक वीडियोस लेकर आऊं। बिल्कुल भी मैं अभी तो फिलहाल एक साल तक मैं वैसे भी इसके ऊपर कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो कर नहीं सकती हूँ, ना ही इतनी जल्दी कोई स्पॉन्सर मिलता है। तो यहां पर मैं ट्राई करूंगी कि मैं बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो ना करूं और आपको ऑर्गेनिक वीडियोस ही मिले जो सच में काम करते हैं। वैसे सभी प्रोडक्ट्स जितने भी मैं यूज करती हूं वो सच में काम करते हैं। आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी कि हेल्प कर पाऊं नए नए प्रोडक्ट्स के साथ जो जो मार्केट में आए हैं। रिव्यूज के लिए, प्रोडक्ट रिव्यूज के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनुप्रिया लवली यू चैनल पर, जहां पर मैं आप लोगों के साथ सभी प्रोडक्ट रिव्यूज शेयर करती हूं, जिसमें से कुछ एक स्पॉन्सर्ड होते हैं जो कि मैं आप लोगों को बता के करती हूँ और कुछ एक मैं खुद लेकर आती हूँ और कुछ एक जो है वो कोलैबोरेशन के साथ होते हैं। तो कोलैबोरेशन में हमारा खुद का ओपिनियन होता है कि हमें ये प्रोडक्ट यूज कर सच में मतलब अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, कैसे बोलना, उसके लिए हमें कुछ भी पे नहीं होता। वो जस्ट यूज करने के लिए आपको प्रोडक्ट देते हैं और बाकी आपका ओपिनियन अच्छा है बुरा है हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को हिट कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और हम इस तरीके से मिलते रहे। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अनुप्रिया ब्लॉग्स। तो मिलती फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।